नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि 3D जो बिल्डिंग ग्रो करते हैं वो हम लोग कैसे बना सकते हैं अपने प्रीमियर में। तो ये भी बहुत एक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि सर वो 3D जो पॉप होते हैं, जो बिल्डिंग्स पॉप होकर निकलते रहते हैं, देन बनते रहते हैं, ग्रो करते हैं, वो हम लोग कैसे बना सकते हैं प्रीमियर में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने प्रीमियर में एंड देन देखते हैं कि हम लोग जो बिल्डिंग्स ग्रो करते हैं वो हम लोग कैसे बना सकते हैं प्रीमियर में। मैंने ताजमहल को मैंने सेलेक्ट कर रखा है एंड देन ताजमहल को मैं क्या करता हूँ, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ जहाँ से जहाँ मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, कुछ इस तरह से। ओके, तो आप देख सकते हो कि ताजमहल के मेरे पास वीडियो यहाँ पे कुछ आए हुए हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे दिखाना है कि ताजमहल जो है वो बनता हुआ सा दिख रहा है, पॉप होता हुआ आता है, वैसा कुछ मुझे दिखाना है। तो अभी सबसे फर्स्ट क्या करो, आप चले जाओ सबसे फर्स्ट फ्रेम पे एंड देन सबसे फर्स्ट फ्रेम पे आपको यहाँ पे जाकर आपको ले लेने हैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट में जाता हूँ, फर्स्ट वाले मैं जहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे आप चले जाओ एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेने हैं एक्सपोर्ट फ्रेम। तो एक्सपोर्ट फ्रेम आप कर दो फर्स्ट वाले पे जहाँ पे आपको बनाने हैं इसे एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे अगेन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने सेकेंड नंबर वीडियो ट्रैक पे। तो एक बार आप यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एंड देन और भी आपको कॉपीज़ लेने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2, 3, 4 मैंने कॉपीज़ ले रखे हैं बिकॉज ऑफ कि एक को मैं क्लीन प्लेट बनाऊंगा। क्लीन प्लेट बनाने का मतलब ये हो जाता है कि एक से मैं पूरा ताजमहल को हटा देता हूँ एंड देन जो 3 हमारे वीडियो लेयर्स है उस पर मैं वर्क करूँगा ताजमहल बनता हुआ सा। तो सबसे फर्स्ट आपको करने क्या है, यहाँ पे जो सबसे नीचे वाले आपके जो वीडियो लेयर्स हैं, आई मीन वीडियो ट्रैक हैं, जिसमें हमारा जहाँ पे मैंने ताजमहल के स्नैपशॉट ले रखे हैं, राइट क्लिक करो इसके ऊपर एंड देन एडिट इन एडोब फोटोशॉप में चले जाओ। अभी करना है क्या है, जब आपके कुछ इस तरह से आ जाए यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आई मीन कंप्लीट क्लीन प्लेट बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चला जाऊँगा एंड देन यहाँ से मैं ले लेता हूँ पॉलीकॉन, थोड़ा सा स्ट्रेट ही मैं रखता हूँ यहाँ से यहाँ कुछ इस तरह से जैसे मुझे चाहिए होंगे। एक रफ सिलेक्शन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जैसे मुझे चाहिए होंगे। ओके, कुछ इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसा। तो एडिट में चले जाओ एंड देन यहाँ पे कंटेंट आपको लेना है कंटेंट अवेयर फील पे। सी, तो कंटेंट अवेयर फील पे आप चले जाओगे तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि थोड़े से रिमूव यहाँ पे हुए हैं। आप थोड़ा सा ज़्यादा ट्विक कर सकते हो बट मैं इसको ओके कर देता हूँ फर्स्ट। तो कुछ इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं एंड देन अगर फिर भी सेटिस्फैक्शन ना हो आपको कि यार प्रॉपरली रिमूव नहीं हुआ है तो आप चले जाओ यहाँ पे रिमूव टूल पे एंड देन रिमूव टूल से आप यहाँ से फिर से आप थोड़े से रिमूव कर सकते हो प्रॉपरली। तो कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट रिमूव कर लेने हैं, क्लीन कर लेने हैं, अपने क्लीन प्लेट बना लेने हैं जहाँ पे ताजमहल आपको रिमूव करने हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस प्रेस कर दो तो ये सेव हो जाएंगे फिर से। तो आप देख सकते हो जब आप प्रीमियर में जाओगे एंड देन आप हाइड कर दो सभी को, 1, 2, 3, 4 आपने जो बना रखे थे सभी को आप हाइड कर दो यहाँ से। सी, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन शॉट मैंने रखे थे वीडियो ट्रैक पे वो कम्प्लीटली क्लीन हो चुके हैं यहाँ से। फर्स्ट आप क्या करो, इन तीनों को डिलीट कर दो, सिर्फ अभी एक में मैंने क्लीन प्लेट बना रखा है कुछ इस तरह से एंड देन मैं क्या करता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ आगे की तरफ से बिकॉज यहाँ से फिर से मुझे एक और स्नैपशॉट चाहिए होंगे। तो मैं जस्ट क्लिक करता हूँ एंड देन एक और स्नैपशॉट यहाँ पे बना दिया एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप स्टार्टिंग में। सी, एंड देन अगेन राइट क्लिक कर लेना है इसके ऊपर एंड देन यहाँ पे जाकर आपको एडिट इन एडोब फोटोशॉप में फिर से ओपन कर लेना है इस वीडियो को, आई मीन इस स्नैपशॉट को। अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करने हैं कि जिस चीज़ को आपको ग्रो कराने हैं, ऊपर की तरफ क्रिएट कराने हैं, उसे आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 part, 2 parts एंड देन 3 parts में मुझे लेने हैं, बनाने हैं। तो यहाँ पे भी 1, 2 and then 3 में आप डिवाइड कर लो, इसे भी 1 मान लो, ये 1 है, 2 है and then 3 है ऊपर वाले। तो यहाँ पे भी 1, 2 and then आप जो यहाँ पे जो डोम है या गुंबद जैसा जिसको बोलते हैं वो आप बना लो। तो यहाँ से यहाँ आप 1st, 2nd and then 3rd part में आप ले लो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा मैं चला जाता हूँ, आप यहाँ पे चले जाओ पेन टूल, सबसे बेस्ट है कि आप पेन टूल से ही आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन पेन टूल से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट सिलेक्शन है।
तो ये एक बार हो जाए सारे सिलेक्शन, तो आप यहाँ पे मेक श्योर कि आप जब भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो कंबाइन सिलेक्शन करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना। ओके, तो कंट्रोल एंटर करने के बाद अब सिलेक्शन सारे हो गए हैं आपके, एंड देन इसे कंट्रोल जे कर दो फर्स्ट कुछ ऐसे। तो ये मेरा 50% मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, इसे भी आप कंट्रोल एस कर सकते हो, तो कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं, एंड देन जहाँ पे भी आपको सिलेक्ट सेव करने हैं आप वहाँ सेव कर दो। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में T1 करके कर देता हूँ, मीन्स ताजमहल 1 जो मैंने पार्ट बना रखे हैं उसको मैं उसे मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। सी, तो फर्स्ट यहाँ पे आ गए मेरे कुछ ऐसे। अगेन कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एंड देन फिर से मैं क्या करता हूँ ये वाले जो हैं इसे हटा देता हूँ, एंड देन सेकेंड नंबर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो सेकेंड को भी मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो आप सिलेक्ट यहाँ से सेकेंड आपको लेने हैं यहाँ से, यहाँ पे जैसे आपको चाहिए थे वैसे सिलेक्शन ले लेता हूँ मैं। अभी मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एंटर फिर से पे प्रेस कर देता हूँ फॉर लोड सिलेक्शन, आई मीन कन्वर्ट टू सिलेक्शन में चला जाता हूँ, एंड देन कंट्रोल जे कर देता हूँ। सी, अभी ये सेकेंड पार्ट है मेरा, सेकेंड को भी आपको कुछ ट्रिम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, सेम आपको फाइल में जाने हैं एंड देन एक्सपोर्ट कर देने हैं T2 बोलकर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ T2 ताजमहल 2 बोलकर PNG में मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो मैंने कुछ रीनेम कर रखे हैं T1 T2 करके ऐसे, ताजमहल 1 ताजमहल 2। ओके, कंट्रोल जेड फिर से कर देता हूँ यहाँ पे, एंड देन लास्ट वन, एंड देन लास्ट वन हमारा कौन सा है, जो लास्ट हमारे यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एंड देन मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ पेन टूल से। तो लास्ट हमारा यहाँ से है कुछ ऐसे, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे को, एंड देन कंट्रोल एंटर एंड देन अगेन कंट्रोल जे, बस इतना ही करना है आपको कुछ ऐसे, एंड देन फाइल एक्सपोर्ट एज में जाओ, क्विक PNG में आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, सेव कर लेने हैं। T3 बोलकर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, तो सारे को मैंने PNG में मैंने सेव कर रखे हैं कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरे इमेज है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो इमेज है कुछ क्लीन प्लेट मेरे कुछ इस तरह से बन के यहाँ पे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं बिल्डिंग्स को क्रिएट करूँगा, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, एंड देन तीनों इमेजेस को मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। तो फर्स्ट मैं T1 को सबसे नीचे में रखता हूँ, T2 को मैं थोड़े उसके और ऊपर में रखता हूँ, एंड देन T3 को मैं इसके ऊपर रखता हूँ। तो सारे को आप इस तरह से सिलेक्ट कर लो जहाँ तक आपको चाहिए होंगे। तो मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया, मैंने प्लस कर देता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे सारे वीडियोस, आई मीन जो ट्रैक्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं 1 2 3 तीनों। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, एंड देन सिर्फ एक को रखता हूँ मैं जो हमारा बॉटम वाले हैं। ओके, तो सबसे नीचे जो हमारा है वो मैं रखता हूँ, बाकी को भी मैं हाइड करके रखता हूँ। सी, कुछ इस तरह से मैंने हाइड कर रखे हैं। ओके, तो मेरे पास T1 है जो बॉटम में आपको जो दिख रहे हैं ये वाले हैं। अब मैं इसको पहले एनिमेट करना चाहूँगा कि किस तरह से मैं एनिमेट करूँ। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, आप इन सभी जो वीडियो ट्रैक्स हैं उसको आप लॉक करके रख दो, बिकॉज़ ये डिस्टर्ब नहीं करे आपको। एंड देन मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे, एंड देन इसे क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड देन राइट एरो। तो जहाँ पे राइट एरो होएगा इसका मतलब है कि 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स डिले होंगे, आपको जस्ट मूव कर देने हैं यहाँ पे 5 सेकेंड्स में के बाद, तो यहाँ पे ये क्रिएट होंगे कुछ ऐसा। सी, एंड देन मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे 100 कुछ ऐसे। सी, ओके, तो आप देख सकते हो कि ताजमहल मेरा कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया है, यहाँ से स्क्रॉल कर देता हूँ कुछ ऐसा। तो फर्स्ट मुझे इसे बिल्ड करते हुए दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में जाऊँगा सबसे फर्स्ट यहाँ पे, एंड देन इसके ऊपर मैं एक इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा जो है ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्म में बहुत प्रॉपर्टीज़ आते हैं, शटर स्पीड आ जाते हैं, एंड देन सारे प्रॉपर्टीज़ ही आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाऊँगा, एंड देन यहाँ से जाकर मैं इफ़ेक्ट्स में जाकर ले लेता हूँ ट्रांसफॉर्म। तो वीडियो में ही यहाँ पर आ जाएंगे आपको ट्रांसफॉर्म। सी, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स को यहाँ पे, एंड देन इफेक्ट कंट्रोल में चले जाओ। तो इफेक्ट कंट्रोल में आप जब जाओगे तो देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्म में आपका पोजीशन वगैरह सारे यहाँ पे आ रहे हैं, इवन तो आपको शटर एंगल भी मिल रहा है। तो शटर एंगल में होता क्या है, देखो आपको एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ना मोशन ब्लर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम में आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट इसके जो पोजीशन है ना एंकर पॉइंट, आई मीन जो इसके जो पोजीशन है
उसे आप क्लिक कर दो एंड देन थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ। ओके तो एक्स में मुझे काम नहीं करने, मुझे वाई पे करने हैं, तो आप वाई पे थोड़ा सा नीचे से आ जाओ, यहाँ पे काफ़ी है। एंड देन क्या होएगा, यहाँ पे अगेन शिफ्ट एंड देन एरो 1, 2, 3 टाइम कर दो, 3 टाइम इन द सेंस 3 फ्रेम्स आपके बाद आपका ये जुप करके वो आएगा। ओके एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे अपने पोजीशन पे आप लेके आ जाओ फिर से। बट याद रखना, पोजीशन कभी भी जब भी आपको जहाँ पे भी चाहिए होएगा पोजीशन आपका एक्स एंड देन वाई, तो आप वाई पे लेकर यहाँ पे फिट कर दो कुछ ऐसा। फाइन, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ आया। तो आपको पहले दोनों को सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन राइट क्लिक कर दो यहाँ पे, एंड देन आपको ईजी नीज आप ले लो यहाँ पे फर्स्ट। तो ये क्या होता है, ईजी नीज करने से आपका कुछ जो आपका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से आएंगे यहाँ पे। एंड देन 360 मैंने पूरा फुल शटर एंगल मैंने ले रखे यहाँ पे, सी तो कुछ ऐसे करके आएगा ये। 100% को मैं करता था 75, ज़्यादा बेटर है। तो आप देख सकते हो थोड़े से आपको और स्लो करने हैं, थोड़े से 1 or 2 ऐसे करके मैंने ले लिया, ये ज़्यादा बेटर है। आई थिंक 1 or 2 फ्रेम्स काफ़ी हैं यहाँ पे। ओके सी, अब मुझे क्या करना है, ये ब्लर होके तो आ रहा है लेकिन मुझे इतने एरिया को वो दिखाना नहीं है, मुझे यहाँ से बनता हुआ सा दिखना है, ना कि पूरे नीचे से आना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप चले जाओ सिंपल सा ओपेसिटी पे, पेन टूल आपको ले लेने हैं एंड देन यहाँ से ड्रॉ कर दो कुछ ऐसा। फाइन, तो अब जो ये बन कर आएगा ना वो कुछ ऐसे आएंगे जुप ऐसा। फर्स्ट एक बन गया, सेम चीज़ मुझे रिपीटेशन चाहिए दूसरे फ्रेम पे, तो अगेन दूसरे वाले को अनलॉक करो फर्स्ट एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ थोड़े आगे, एक बार बन जाए यहाँ पे, ये बन गया। फिर उसके बाद दूसरे वाले बनेंगे। ओके तो दूसरा यहाँ से बनना स्टार्ट होएगा, एक बार ये बन जाए पूरा कंप्लीट, फिर सेकेंड यहाँ से आएंगे राइट। तो सेकेंड वाले को भी इनेबल कर दो सी। तो सेकेंड आई थिंक ये नहीं है, ये 3 है, ये 2 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 को हटाओ यहाँ से, आई मीन 3 को हटाओ एंड देन 2 को लाओ, 3 को इसके ऊपर ले लो। फाइन कुछ ऐसे। तो यहाँ पे आपको लेके आ जाने हैं सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर राइट कुछ ऐसा। तो सेकेंड पे मैं वर्क करता हूँ, अब यहाँ पे सेकेंड वाले पे मुझे वर्क करने हैं। ट्रांसफॉर्म लेकर आ जाओ सेकेंड नंबर T2 वाले जो मैंने इमेजेस ले रखे थे ये वाले। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेम थिंग, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे पोजीशन को क्लिक कर दो। ओके एंड देन पोजीशन को थोड़ा नीचे लेके जाना है, तो स्टार्टिंग में क्या करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट क्लिक 1, 2 टाइम्स एंड देन 2 टाइम्स पे मैं रखता हूँ इस जगह पे, एंड देन अगेन यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट पे, पोजीशन को थोड़ा सा नीचे कर दो, सी ऑलमोस्ट यहाँ पे कर देता हूँ जहाँ से मुझे स्टार्ट करने, थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने। एंड देन अगेन एक काम और भी कर लेने, हमेशा आपको शटर एंगल जो है ना उसको 360 पे ही रखो। एंड देन अगेन मैं मास्क कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ओपेसिटी पे एंड देन मैं यहाँ से मास्क कर देता हूँ जहाँ से जहाँ मुझे चाहिए होगा। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, मास्क कर दिया मैंने, सी आ रहे हैं। तो अगेन वी प्रेस कर दो फर्स्ट एंड देन मैं अपने कीज़ को पहले देख लेता हूँ मेरे कीज़ कहाँ पे हैं, एंड देन कीज़ को आपको अगेन राइट क्लिक करके यहाँ पे ईजी नीज डाल दो आप, सी तो आपको कैसा होएगा। ओके कुछ ऐसा। ओके थोड़ा सा आगे बढ़ा दो आप, सी फर्स्ट सेकेंड कुछ ऐसा, सो जुप सेकेंड एंड देन थर्ड, थर्ड वाले को भी मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे थर्ड वाले को भी मैं इनेबल कर लेता हूँ जो टॉप में है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँगा मैं, स्टार्टिंग में आप चले जाओ यहाँ पे एंड देन यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म नोड को आई मीन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। एंड देन इस पर भी मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाओ एंड देन यहाँ पे आपको पोजीशन को क्लिक कर दो एंड देन थोड़ा पोजीशन को स्टार्टिंग में मैं डाउन में कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ एंड देन शिफ्ट 2 फ्रेम्स, शिफ्ट एंड देन राइट एरो आपको करने हैं एंड देन यहाँ पे आप क्या करो, पोजीशन ऊपर की तरफ उठा दो इसे, सी कुछ ऐसे। एंड देन शटर बहुत इंपॉर्टेंट है 360। ओके एंड देन मास्क कर दो, फाइनली आपको मास्क कर देने यहाँ पे। तो आपको थोड़ा ऊपर लेके चले जाओ इसे एंड देन ओपेसिटी पे जाओ एंड देन यहाँ से मैं रफली यहाँ से मैं ले लेता हूँ जहाँ से मुझे चाहिए थे, ऑलमोस्ट यहाँ से है तो मैं यहाँ से मैं मास्क कर देता हूँ कुछ ऐसा। ओके सी थोड़े से मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ यहाँ से, अभी ठीक है ये। फाइन, तो बहुत इजी वे में आपको कुछ इस तरह से आप
बिल्डिंग्स को क्रिएट कर सकते हो ऐसे, ओके। एंड देन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए, थोड़ा डस्ट वगैरह अप्लाई करना है, थोड़ा सा थोड़े बहुत आपको जुब जुब वाले थोड़े इफेक्ट्स चाहिए होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस साउंड को मैं लेके आ जाता हूँ, जहाँ पर भी जुब जुब जैसे जो साउंड है वो लेके मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे। थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ मैं कुछ ऐसे, सी। तो फर्स्ट इमेज आई थिंक यहाँ पे है, थोड़े से आप अरेंज कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ओके, अगेन मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे, थ्री सी। तो वन वूप 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 साउंड आपको यहाँ पे ले लेने, कुछ वूप 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 जैसे साउंड आपको ले लेने यहाँ पे। ओके, आप चाहो तो थोड़ा सा पार्टिकल्स वगैरह ऐड कर सकते हो नीचे जब क्रिएट हो रहे हो तो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे ग्रीन स्क्रीन पे आप चले जाओगे, ओके, तो ये आप ले सकते हो यहाँ से जैसा भी आपको चाहिए होएगा। ये वाले मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं लगा देता हूँ इस चीज़ को। ओके, तो मैं स्टार्ट में क्या करता हूँ, ये जो वीडियोज हैं ऐसे वीडियो लेके आता हूँ यहाँ पे, एंड देन स्टार्ट पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे रख दूँ। ओके, यहाँ पे फाइन। तो मैं इसको सिलेक्ट किया, मैंने इफ़ेक्ट्स पे गया, एंड देन यहाँ पे इफ़ेक्ट्स को हटा दिया, वीडियो इफेक्ट में जाकर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे किंग अल्ट्रा की, सी। सिंपली सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ पे आप अल्ट्रा की को रिमूव कर दो। ओके, थोड़ा सा पोजीशन गड़बड़ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाऊँगा एंड इसके पोजीशन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। नाउ दिस इज़ फाइन। ओके, तो आपका ये फाइनल आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप कुछ इस तरह से आप बना सकते हो अपने बिल्डिंग, ग्रोइंग बिल्डिंग जो है या बनता हुआ सा जो बिल्डिंग है वो आप कैसे बना सकते हो। सी, फाइनल आउटपुट हमारा कुछ ऐसा है। फाइन, तो ये था हमारा ग्रोइंग बिल्डिंग्स के ऊपर में कि किस तरह से आप ग्रोइंग बिल्डिंग को बना सकते हो कुछ ऐसे। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग प्रीमियर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।